कैसे हुआ ये? जरूर किसी ने धोखा किया हमारे साथ। बोलिए। आपने सही कहा सरकार, युवराज खंडेराव के वहां पहुंचने से पहले ही मीर मनी खान को हमारी व्यूह रचना की सारी जानकारी थी शायद। यहां तक कि युवराज की टुकड़ी में कितने सिपाही हैं, इस बात का भी पता था। तभी तो अपने बचाव के लिए पहले से ही तैयार था वो। खंडेराव की योजना के बारे में केवल हमें और हमारे विश्वासपात्र साथियों को ही खबर थी। फिर कैसे? गुंडू जी साहब कहाँ हैं? योजना के अनुसार तय किए गए स्थान पर ही घात लगाकर बैठे हैं, लेकिन युवराज को मीर मनी खान ने तंबू में ही बंदी बनाकर रखा है, इसलिए गुरुजी साहब हमला भी नहीं कर सकते। जरा सी भी आहट हुई तो अंदर मीर मनी खान युवराज की जान भी ले सकता है। कुछ नहीं गौतम। हाँ कुछ नहीं कैसे? हाँ हमारे बेटे को दुश्मनों ने बंदी बना लिया है, यही कहा ना इन्होंने? आप थे ना उसके साथ, तो आप उसे वहां अकेला छोड़कर कैसे आ गए? रानी साहेब संभालिए अपने आप को। मेरा बेटा खतरे में है, मैं नहीं संभाल सकती अपने आप को। और आप? एक योद्धा की पत्नी हैं आप और एक सिपाही की मां। इस तरह कमजोर पड़ना शोभा नहीं देता आपको। ऐसे संकट हर योद्धा के जीवन में आए दिन आते रहते हैं। हिम्मत से काम लीजिए। नहीं, मुझ में आप जैसी हिम्मत नहीं है। मैं केवल अपने बेटे की आई हूँ। हमारा बेटा दुश्मनों के कब्जे में है, आप जाइए ना, आप उसे बचाइए ना, कुछ कीजिए ना, आप उसे छुड़ा कर लाइए, खंडेराव को बचाइए ना। आप आ जाएगा हमारा बेटा, आपको हम पर भरोसा है, बताइए रानी साहब। हम पर विश्वास है आपको। तो निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा खंडेराव को, उन्हें नहीं देंगे उसे कुछ, हम उसे सकुशल वापस लेकर आएंगे। ठीक है रुको भाई साहब, विधायक के कक्ष में ले जाइए। नहीं, जब तक खंडेराव वापस नहीं आता। अक्का साहब खंडेराव वापस आ जाएगा, अब शांत हो जाइए। सरकार ने कहा है ना, वो अपने बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। अब चलिए मेरे साथ, चलिए इन्हें अपना काम करने दीजिए। खंडेराव आ जाएगा, मेरे बेटे को आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। निकलना चाहिए खंडेराव को दुश्मन की कैद से छुड़ाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए वो तय करते हैं। आइए हमारे साथ। मानना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बस में अब कुछ भी नहीं, तुम पूरी तरह से हमारे रहमो करम पर हो, लेकिन फिर भी जरा सा भी खौफ तुम्हारी आंखों में नजर नहीं आ रहा। मराठाओं को डरा सकूं
इस काबिल नहीं हो तुम। अच्छा चलो देखते हैं कौन किस काबिल है। सुना है संगीत का बहुत शौक है, तुम मृदंग बजाते हो, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि दुनिया का सबसे सुरीला संगीत क्या है। जब तक आप जैसे शुभचिंतक हमारे साथ हैं, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस राज्य पर, हमारे राज्य पर जब भी कोई संकट आ जाए, टिक नहीं पाएगा। छोटे सूबेदार जी के आदेश अनुसार सारी तैयारियां हो गई है सरकार, आप निश्चिंत रहिए। वस्त्र आपके और आपके सिपाहियों के लिए है। सरकार, इसे अपने चेहरे और शरीर पर अच्छी तरह मलना होगा, उसके बाद हम इस लाल गुलाल में इसको मिला देंगे, उससे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.